दिल्ली मेट्रो पे रेबीज का ये पोस्टर देखा है? आखिर क्या होता है रेबीज? क्या ये सिर्फ कुत्तों के काटने पे फैलता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल रेबीज एक वायरल डिजीज है जो वैक्सीन से प्रिवेंटेबल भी है और ये एक जंगली जानवर के काटने से हो सकता है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन में जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो रकून, बैट्स, स्कंक्स, फॉक्सेस, डॉग्स के काटने से हुए हैं और ये किसी भी जानवर के सलाइवा से, बाइट से या स्क्रैच करने से हो सकता है। 5 से 14 साल के बच्चे इसके सबसे ज्यादा कॉमन विक्टिम्स हैं। जब रेबीज वायरस आपकी बॉडी में जाता है, यानी जब इसके इन्फेक्टेड एनिमल का सलाइवा आपकी वुंड में जाता है, ये वायरस बहुत धीरे से आपकी नर्व्स में फैलता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है, ब्रेन कोर, स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करता है। यहाँ से व्यक्ति कोमा में जाता है और डेथ हो जाती है। हर साल लगभग 59,000 लोग रेबीज से मरते हैं। बॉडी में रेबीज वायरस घुसने के काफी हफ्तों तक कोई सिम्टम्स नहीं दिखते, लेकिन जब ये वायरस नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाता है तब सिवियर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इनिशियल सिम्टम्स में फीवर, टायर्डनेस, घाव पे जलन, कफिंग, मसल पेन और डायरिया दिख सकते हैं। फ्यूरियस सिम्टम्स में जब वायरस दिमाग तक पहुंच जाए तब आपको एग्रेशन, सीजर्स, हेलुसिनेशंस, फीवर, रेसिंग हार्ट बीट, पैरालिसिस हो सकता है। इस बात का खास ध्यान रखें कि बाकी बीमारियों की तरह आप सिम्टम्स आने का वेट ना करें। अगर आपको किसी जानवर ने काटा है या स्क्रैच करा है तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें। हो सकता है कि डॉक्टर रेबीज की जांच करने के लिए ये टेस्ट करे, सलाइवा टेस्ट, स्किन बायोप्सी, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड टेस्ट, ब्लड टेस्ट और MRI। अगर आपको रेबीज के सिम्टम्स आने से पहले उसका ट्रीटमेंट ले तो ये क्योर भी हो सकता है। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए हेल्पलाइन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले।